फ्रेंड्स, आज इंडिया वर्सेस आयरलैंड के बीच पहला T20 मैच खेला जाना है और आपके लिए लेके आ चुका हूँ ड्रीम 11 की टीम। सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप किस्मत के भरोसे कोई टीम बनाओगे तो कभी भी नहीं जीतोगे। देखो, ड्रीम 11 में पैसा बनाने के लिए, मैच में पैसा बनाने के लिए आपको स्टैट पता होना ज़रूरी है, पिच की कंडीशन पता होना ज़रूरी है और लास्ट जो T20 खेले गए हैं वो पता होना ज़रूरी है। जब ये सारा कॉम्बिनेशन मिलता है उसके बाद जो आप टीम बनाते हो 101% वो टीम विन होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अभी तक डरबन में आज मैच खेला जाना है इंडिया वर्सेज आयरलैंड, तो वहाँ के लास्ट जो 10 मैच हैं 15 मैच हैं वो कौन जीता है उसके बाद स्टैट्स बताऊँगा, स्टैट बताऊँगा और फिर ड्रीम इलेवन की टीम आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं कि डरबन में जो मैच खेले गए हैं, कितने T20 मैच खेले गए हैं। अगर आप सोच रहे हो कि भाई सारे इंडियन प्लेयर उठा ले 7 और वहाँ से 3 या 4 उठा ले तो आप नहीं जीतोगे। तो अभी मैं स्टैट की बात करूँ तो टोटल यहाँ पे अभी फ़िलहाल तक यहाँ पे 21 मैच खेले जा चुके हैं जो डरबन में आज मैच होना। पहले टॉस जीतकर जिसने बैटिंग की वो टीम सिर्फ 8 बार जीती है, जबकि पहले टॉस जीतकर जिसने बॉलिंग की है वो 13 बार जीती है। और फर्स्ट इनिंग के यहाँ पे स्कोर आप देखोगे 151, सेकंड का देखोगे 137। ये एवरेज है, ये ऐसा कि नहीं इतना ही बनता है। ये जो पिच है वो बैटिंग पिच है। पिछली बार जब 2022 में इंडिया वहाँ पे गई थी तो मनीष पांडे, दीपक हुड्डा ने 113 या 114 रन वहाँ पे मारे थे। और यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर की बात करें T20 में 252 है 3 पे, जो कि स्कॉटलैंड ने बनाए थे नीदरलैंड के खिलाफ। और लोएस्ट है 70 जो कि आयरलैंड ने बनाए थे पिछले साल इंडिया के विरुद्ध खिलाफ। और हाईएस्ट यहाँ पे चेसिंग जो अभी तक हुई है वो हुई है 194, वो भी आयरलैंड ने स्कॉटलैंड के खिलाफ किया था। तो ये स्टैट्स मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पे जो टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग ही करेगा और ये बैटिंग पिच है 170-180 आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर इंडिया पहले खेलती है तो ये 200 को भी छू सकती है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी, आप सिर्फ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं कि भाई ड्रीम इलेवन की टीम हमारी क्या होनी चाहिए। दोबारा बता रहा हूँ कि किस्मत के भरोसे अगर आप ड्रीम इलेवन की टीम खेलते हो तो कभी पॉसिबल नहीं होगा, कभी जीतना आपका पॉसिबल नहीं होगा। अब बात करते हैं कि ड्रीम इलेवन की टीम क्या होगी। तो फिर यहाँ पे मैं आ जाता हूँ ड्रीम इलेवन पे। आप अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे हम जाते हैं यहाँ पे विकेट कीपर संजू सैमसन और एल टकर है। यहाँ पे आपको एल टकर को उठाना, मैं आपको बताऊंगा क्यों। एल टकर काफ़ी अच्छा है, आप संजू सैमसन को भी उठा सकते हो। इन दोनों में मैं आपको एक चॉइस दे रहा हूँ, तो फिलहाल मैं एल टकर को उठा रहा हूँ क्योंकि संजू सैमसन यहाँ पे ओपनिंग नहीं करेंगे। अगर वो तीसरे या फिर चौथे नंबर पे आते हैं तो यहाँ तक नहीं जाएगी। जो सेकंड इनिंग में बैटिंग करेगा उसके मुश्किल से मुश्किल 3 या फिर 4 विकेट ही जाएंगे जो सेकंड में बैटिंग करने आए, क्योंकि बहुत आसानी से वो चेस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं टक्कर पे जाता हूँ। उसके बाद आते हैं हम बैटिंग सेक्शन में। तो यहाँ पे तिलक वर्मा को आपने लेना है, गायकवाड़ को आपने लेना है और एच टक्कर को आपने लेना है। एच टक्कर काफ़ी अच्छे यहाँ पे बैट्समैन है आयरलैंड के, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। और जो पी स्टार्लिंग को अगर आप सोच रहे होंगे बनाने के, वो भी काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं पर वो बहुत लंबी इनिंग नहीं खेलते हैं, 20 से 25 रन ही बना पाते हैं या फिर 20 या 15-20 रन। तो एल टक्कर हमने लेना है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हैं और उसके बाद जायसवाल को आपने लेना है और रिंकू सिंह ये आपने लेना है। अगर ये लाइनअप में हो तो इनको ज़रूर उठाना है। यशस्वी जायसवाल जो हैं अच्छे खिलाड़ी हैं और बैटिंग पिच है तो 100% यहाँ पे उनका चलना कंफर्म है। और अगर रिंकू सिंह की बैटिंग आती है, अगर वो मुश्किल से उन 5 ओवर खिलाए जाता है तो वो 100% यहाँ पे 70-80 रन मार के जाएंगे। और यहाँ पे हम आते हैं अब ऑलराउंडर। भाई ऑलराउंडर ऐसा कुछ नहीं है, संजू सैम एक वॉशिंगटन सुंदर को अगर आप सोच रहे हो उठाने की तो मत उठाइए, आपका एक प्लेयर यहाँ पे बिगड़ जाएगा। आप सिर्फ यहाँ पे सी चैफर को उठाना, मैं यहाँ पे सिर्फ सी चैफर को उठा रहा हूँ और इसके अलावा और कोई भी यहाँ पे हम नहीं उठाएंगे। इसके बाद आते हैं बॉलिंग जो फर्स्ट खेलेगा, जो पहले टॉस जीत के अगर किसी ने बैटिंग की तो वहाँ पे विकेट जाने की चांसेस हैं। वहाँ पे आप 6, 7 या 8 विकेट जाएंगे अगर आयरलैंड पहले खेलती है। अगर इंडिया पहले खेलती है तो मुश्किल से मुश्किल 4 या 5 विकेट ही उनके जाने वाले। तो यहाँ पे जसप्रीत बुमराह को हमने लेना है।
और अक्षर सिंह को हमने लेना है, लिटिल जॉसवा, जॉसवा लिटिल जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा इनके बॉलिंग एक्शन है, काफ़ी अच्छा है आइलैंड के लिए करते हैं। उसके बाद सी यंग का भी काफ़ी नाम है आइलैंड में और काफ़ी अच्छी है बॉलिंग करते हैं। ये टोटल हमारी जो है 11 प्लेयर्स की एक टीम मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पे बात आती है कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कैप्टन और जो वाइस कैप्टन है, अगर मैं आपको बताऊँ, अगर देखो ये आप पे निर्भर करता है कि इंडिया पहले खेल रही है या फिर इंडिया बाद में खेल रही है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर पहले इंडिया खेलती है तो आपको तिलक वर्मा को यहाँ पे ले सकते हो कैप्टन। तिलक वर्मा को चाहे वो पहले खेले बाद में खेले, क्योंकि ओपनिंग जोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं चलेगी, 25-30 रन बनाए तो वहाँ विकेट जल्दी होगा इंडिया का, क्योंकि जो आइलैंड के बॉलर हैं वो काफ़ी लंबे तगड़े हैं, यहाँ पे वो अपना बाउंस ज़रूर मारेंगे। उसके बाद आप यशस्वी जायसवाल को ले सकते हो, तिलक वर्मा, यशस्वी जायसवाल। तो ये मेरी ड्रीम इलेवन की टीम होने वाली है, आप इसके साथ जाना चाहते हो तो जा सकते हो। आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। मैं टेलीग्राम चैनल है पर अभी लिंक नहीं दूंगा, आप जो है क्वेश्चन जो करोगे कमेंट करके पूछ लेना। फिलहाल के लिए आज की टीम ये होने वाली है और 100% विन करेगी, कोई लाइनअप में नहीं होता तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूँ। तो फिलहाल आज के लिए इतना, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।